गाइस, मैं हूं सोनाक्षी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन एंड माइटोसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेल डिवीजन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और सेल डिवीजन के दौरान होता क्या क्या है ये जानते हैं। तो सेल डिवीजन के समय डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल का ग्रोथ होता है और सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। और जब सेल अपने जीनोम को डबल करता है और सेल अन्य जो तत्व हैं उनका सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जब ये सारे इवेंट्स, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, सेल का ग्रोथ होना और सेल का दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होना, ये जब एक सीक्वेंस में होता है उसी को हम सेल साइकिल कहते हैं। ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेल का ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, बट जो डीएनए रेप्लिकेशन है या डीएनए सिंथेसिस है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है। उसके बाद जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या फिर डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो सारे इवेंट्स हैं सेल साइकिल के या सेल डिवीजन के, वो सब जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यूकैरियोटिक सेल का। जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो 24 आवर में एक बार डिवाइड होता है। वैसे ये जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो वैरी करता है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर अलग अलग सेल टाइप के लिए सेल साइकिल या सेल डिवीजन का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। जैसे कि ईस्ट है, उसका सेल साइकिल 90 मिनट का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि सेल डिवीजन का मतलब होता क्या है। सेल डिवीजन दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और वो सारे इवेंट्स जो दो सेल डिवीजन के बीच में होता है उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, पहला इंटरफेज और दूसरा एम फेज, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ना टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। सेल डिवीजन के थ्री टाइप्स हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस एंड द थर्ड वन इज मियोसिस। माइटोसिस मतलब डायरेक्ट सेल डिवीजन होना। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम बराबर नंबर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब पेरेंट्स में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे प्रोजेनी में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। नाउ द थर्ड वन मियोसिस में एक रिडक्शन डिवीजन है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, मतलब अगर पेरेंट्स में क्रोमोसोम नंबर 2n है तो प्रोजेनी में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, दैट इज n हो जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।